हेलो गाइज़, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं विंडो 7 कैसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेना है और लैपटॉप की पावर ऑन करनी है। लैपटॉप पावर ऑन करने के बाद आपको कंटिन्यू F2 प्रेस करते रहना है ताकि आप बायोज में जा सकें। सो गाइज़, ये बायोज में जाने के लिए अलग अलग कंपनीज़ के लैपटॉप में अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, बट एसर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको F2 कंटिन्यू प्रेस करते रहना है। तो अभी हम बायोज में जा चुके हैं, यहाँ पे अभी हमें बूट मोड में जाके देखना है। यहाँ सेटिंग लेगेसी बायोज होना चाहिए, तो अभी है। अभी हमें यहाँ एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर यस प्रेस करेंगे। जैसे ही यस करते हैं उसके बाद आपको F12 कंटिन्यू प्रेस करते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं USB पेन ड्राइव आपको शो हो रही है। अभी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं विंडो इज़ लोडिंग फाइल्स। तो अभी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट होने लगी है। विंडो इंस्टॉल करने में अप्रोक्स हाफ एन आवर लग सकता है। तो यहाँ पर हमने टाइम लैप्स का यूज़ किया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो। अभी आप देख सकते हैं विंडो 7 इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स। आप इसको इंडिया चाहें तो इंडिया भी कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर इंस्टॉल आपको करना है। इंस्टॉल नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है सेटअप इज़ स्टार्टिंग। अभी यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस आ चुकी हैं, आपको इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड इसके बाद आपको कस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्क की जो पार्टीशंस होती हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। सो ऊपर की फर्स्ट एंड सेकंड वो डिफ़ॉल्ट होती हैं, तो आपको थर्ड में यहाँ पे जाना है जो कि आपका ड्राइव सी है। सो उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे विंडो इंस्टॉल करनी है। आप चाहें तो यहाँ पर किसी डिस्क को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और एड न्यू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी ड्राइव सी को फॉर्मेट कर देते हैं। सो ड्राइव सी जो थर्ड नंबर पर आ रहा है वो हमने फॉर्मेट कर दिया है और यहाँ नेक्स्ट करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं ये है फाइनल स्टेप। फाइनल भी इसको नहीं कह सकते, फाइनल से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप होता है। सो अभी यहाँ विंडो फाइल लोडिंग होने लगी हैं। तो ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोसेस होता है। सो यहाँ पर हमने टाइम लैप्स का यूज़ किया है। अभी हमें यहाँ कुछ मिनट के लिए इंतज़ार करना होगा। सो यह जैसे ही 100% होता है तो आपकी जो विंडो है वो इंस्टॉल होना एप्रोक्स एंड हो जाएगा। सो प्लीज़ वेट। गाइस, अभी आता है यहाँ पर एक मेन स्टेप। अभी यहाँ पर विंडो नीड्स टू रिस्टार्ट टू कंटिन्यू। विंडो अभी रिस्टार्ट होने वाली है। अभी आपको जो सबसे ज़रूरी काम जो करना है वो ये करना है कि आपको अभी अपनी बूटेबल पेन ड्राइव को यहाँ लैपटॉप से डिसकनेक्ट कर देना है जैसे ही लैपटॉप रीस्टार्ट होता है। तो यहाँ पर ये डिसकनेक्ट हमने कर दिया। अभी जैसे ही लैपटॉप रीस्टार्ट हुआ है तो आप देख सकते हैं विंडो स्टार्ट होने लगी है। यहाँ पर कुछ अभी फाइल्स जो हैं वो अभी अंडर चेकिंग है, तो प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी जैसे ही लैपटॉप रीबूट होता है तो उसके बाद जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसका काम ख़त्म हो जाता है। अभी जो लैपटॉप है वो बिना बूटेबल ड्राइव के जितनी भी फाइल्स हैं उनको यहाँ पर चेक कर रहा है और अपडेट कर रहा है। सो वी हैव टू वेट। सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रीस्टार्टिंग योर कंप्यूटर। यहाँ पर अगेन जो अपना लैपटॉप है वो रीस्टार्ट होने वाला है। सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। सो गाइज, अभी स्क्रीन आपके सामने हाईलाइट हो रही है जिसमें लिखा हुआ है टाइप योर कंप्यूटर नेम। तो यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का एक यूज़र नेम यहाँ पर आप दे सकते हैं और आप चाहें तो पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं, बट अभी हम इसको स्किप कर देते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट हैं, तो आप चाहें तो उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। यहाँ आप
जो कैलेंडर है, टाइम है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं विंडो स्टार्ट होने लगी है, वेलकम स्क्रीन यहाँ पर आ चुकी है, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। सो ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है आपकी विंडो इंस्टॉल होकर अपडेट होने के लिए। सो हेयर वी गो गाइस, यहाँ पर जो अपना डेस्कटॉप है वो आ चुका है, विंडो 7 जो है वो यहाँ पर डल चुकी है। तो आपको कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रिफ़्रेश करते रहना है। सो गाइस, फाइनल जो विंडो है, विंडो 7 है, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।